नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु गांगुरडे। आज हम एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग में जो लाइम यूज़ होता है उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है, उसका स्लेकिंग टेम्परेचर कैसे चेक किया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग में क्विक लाइम यूज़ किया जाता है। क्विक लाइम का टेस्ट, स्लेकिंग टेम्परेचर का टेस्ट कैसे करते हैं, मैं एक वीडियो जरिए आपको बताने वाला हूँ। और मैं पहले उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। क्विक लाइम टेम्परेचर का जब व्हीकल आपके प्लांट में आता है तो आप वो जंबो बैग में आता है, जब अलग अलग जंबो बैग से आप सैंपल कलेक्ट करो, उसका कंपोजिट सैंपल बनाओ, और कंपोजिट सैंपल बनाने के बाद फिर उसका आप टेस्टिंग के लिए आप ले सकते हैं। क्विक लाइम टेस्टिंग के लिए आप 600 ml वाटर लेना है और 150 g लाइम लेना है। स्लेक रिएक्टिविटी एपरेटस आपके पास होगा। स्लेक रिएक्टिविटी एपरेटस बोले तो एक पॉट होता है, उसके अंदर स्टरर होता है, और वो स्टरर पानी में लाइम गिरने के बाद उसको मिक्स करता है, और आपको 50 मिनट तक उसको मिक्स करना है, और उसके बाद उसका टेम्परेचर हर 10 मिनट के बाद नोट करना है। इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो। ये स्लेक रिएक्टिविटी अपरेटस आपको कमर्शियल इक्विपमेंट दिल्ली से मिल जाएगा। कमर्शियल इक्विपमेंट दिल्ली सभी जगह पे वो ये स्लेक रिएक्टिविटी अपरेटस देते हैं। स्लेक रिएक्टिविटी अपरेटस में एक पॉट होता है, स्टरर होता है मोटर के साथ, एक स्टैंड पे उसको माउंट किया जो आपको वीडियो में दिखाई देगा, और उसके साथ टेम्परेचर इंडिकेटर दिया जाता है। जैसे जैसे वो मिक्स होते रहेगा उसके बाद टेम्परेचर इंडिकेटर पे उसका टेम्परेचर आते रहेगा। लाइम टेस्टिंग के लिए आपको 150 g लाइम लेना है और 600 ml वाटर लेना है, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री मेंटेन करना है। अगर आपका वाटर 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दे रहा है तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी ऐड करो, उसको टेम्परेचर मैच करो। अगर आपका वाटर 18 डिग्री से नीचे टेम्परेचर दे रहा है तो उसमें थोड़ा सा अपना फ्रेश वाटर या पोर्टेबल वाटर यूज़ करो, और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन करो। तो अभी देखिए, आगे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कैसे लाइम टेस्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप 1 लीटर का मेजरिंग फ्लास्क लीजिए, उसमें 600 ml वाटर लीजिए, और उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको कोल्ड वाटर डालना चाहिए, और टेम्परेचर कम है तो थोड़ा सा पोर्टेबल वाटर उसमें ऐड करना है, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। अगर ये टेम्परेचर जब वाटर अटेंड करता है तो उसके बाद वो वाटर आप अपना जो स्लेक रिएक्टिविटी ऑपरेटर है उसके फ्लास्क में डाल दीजिए। ये देखिए, 20 डिग्री होने के बाद ये फ्लास्क में आपने वाटर डाल दिया, और वाटर डालने के बाद उसको स्टरर और थर्मोकपल जो रहता है वो दोनों उसमें इंसर्ट कर दीजिए, और उसका ढक्कन जो है तो लगा दीजिए उसमें। अगर आपको मैन्युअली भी टेम्परेचर चेक करना है तो एक थर्मामीटर साइड में होल दिया होता है, वो थर्मामीटर उसमें डाल के रख दीजिए। उसके बाद स्टरर को फिक्स कर दीजिए, अपना जो गियर रहता है उसको फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद आप अभी अपना टेम्परेचर इंडिकेटर ऑन करके टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर चेक करने के बाद आप अभी लाइम का वेट करना है। ये 600 ml वाटर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 150 g लाइम को वेट करना है। लाइम का सैंपल कैसे लेते हैं, लाइम का सैंपल कंपोजिट सैंपल होता है, तो अलग अलग बैग से थोड़ा थोड़ा सैंपल कलेक्ट करके उसको मिक्स करके ये कंपोजिट सैंपल बनाया है। वो बराबर एग्जैक्ट 150 ग्राम आपको लेना है। 150 ग्राम लेने के बाद वो सैंपल आप जो 600 ml वाटर लिया है उसमें आपको डालना है। ये देखिए, 150 ग्राम एग्जैक्ट 150 ग्राम वेट कर रहे हैं। इस तरीके से 150 ग्राम वजन करने के बाद वो लाइम आपको जो स्लेक रिएक्टिविटी का पॉट है उसमें वाटर है 600 में, उसमें आपको ये 150 ग्राम लाइम डालना है। ढक्कन ओपन कर लो और ये 600 ml 150 ग्राम
लाइम आपको 600 ml वाटर में डालना है। लाइम डालने के बाद तुरंत बाद आप ढक्कन लगा दीजिए और स्टरर को आपको चालू करना है। इस तरीके से स्टरर को एडजस्ट कर लीजिए। स्टरर को एडजस्ट करने के बाद आप अभी स्टरर चालू कर सकते हैं। ये देखिए स्टरिंग चालू हो गया है और यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेटर भी टेम्परेचर दिखा रहा है और आप इधर थर्मामीटर लगाया है, थर्मामीटर भी चालू किया और स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दिया, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। अभी उसको 10 मिनट के बाद रीडिंग लेना है, 20 मिनट के बाद रीडिंग लेना है, 30 मिनट के, 40 मिनट के बाद, 50 मिनट तक आप रीडिंग ले सकते हैं। और 50 मिनट में जो भी रीडिंग आएगा वो उसका फाइनल टेम्परेचर रहेगा। वो फाइनल टेम्परेचर बोले वो लाइम का स्लेक रिएक्टिविटी टेम्परेचर रहेगा। वो लाइम इतना टेम्परेचर आपको दे सकता है, या आप नोट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। अभी मिक्सिंग के बाद 10 मिनट के बाद आप टेम्परेचर का रीडिंग नोट डाउन कीजिए, मिक्सिंग चलने दीजिए। अभी मिक्सिंग को 20 मिनट हो गए। अभी 20 मिनट में टेम्परेचर का रीडिंग कितना है वो आप रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए और मिक्सिंग कंटिन्यू चालू रखिए। 20 मिनट में आपका 34.4 डिग्री टेम्परेचर आ गया है, अब उसको नोट कर लीजिए। ये देखिए आपके स्टॉपवॉच में अभी 40 मिनट हो रहे हैं, मिक्सिंग कंटिन्यू चल रहा है और 40 मिनट में आपका टेम्परेचर कितना आया है वो आपको रजिस्टर में नोट करना है। 40 मिनट में आपका टेम्परेचर जो भी है अपने इंडिकेटर पे देख लीजिए और उसको रजिस्टर में नोट। अभी मिक्सिंग को 50 मिनट हो गए, आपका फाइनल टेम्परेचर रहेगा। 50 मिनट में जितने जो भी टेम्परेचर आएगा उसका फाइनल टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि 50 मिनट के बाद आपको मिक्सिंग चालू करेगा तो टेम्परेचर डाउन होने के चांसेस रहते हैं, इसके लिए 50 मिनट का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर। दोस्तों अभी आपने देखा वीडियो में 10 मिनट से 50 मिनट तक आपको टेम्परेचर चेक करना है, उसका फाइनल टेम्परेचर बोलते हैं। 50 मिनट में जो भी टेम्परेचर रहेगा वो लाइम का फाइनल टेम्परेचर होता है। लेकिन आपके एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 53 to 58 तक लाइम टेम्परेचर रहेगा तो वो लाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो आपको क्वांटिटी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसमें राइजिंग क्रैक आने के चांसेस होते हैं। आप क्विक लाइम सिलेक्शन जो मेरा वीडियो है वो उसमें देख सकते हैं। अभी ये सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाया है मेरा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरा नंबर है 7798436278। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 7798436278। दोस्तों मैं अलग अलग प्लान के लिए अभी कंसल्टिंग का काम भी कर रहा हूँ। जिस प्लान में प्रॉब्लम आ रहा है उस प्लान में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कंसल्टिंग मैं करता हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। या आपके किसी अदर प्लान में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपके दोस्त के प्रॉब्लम प्लान में प्रॉब्लम चल रहा है तो आप मेरा नंबर उनको दे सकते हैं, मैं कंसल्टिंग करता हूँ। धन्यवाद।